हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारा राज्यपाल का टॉपिक हो गया था जो कि हमने राज्य सरकार के अंतर्गत पढ़ा था। तो हमें पता है कि राज्य सरकार में ही हम लोग मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो संविधान का जो भाग 6 है जिसमें राज्य सरकार का वर्णन किया गया है, तो राज्यपाल के टॉपिक में हमने देखा था कि राज्यपाल जो है नाम मात्र का प्रधान होता है राज्य का, उसी तरीके से जो वास्तविक प्रधान होता है राज्य का वह है मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। तो ये कौन सी व्यवस्था है? ये संसदीय शासन व्यवस्था है, यानी यहाँ पर जो है हमारे देश में दोहरी कार्यपालिका है, चाहे केंद्र में चाहे राज्य में, ठीक है? केंद्र की यदि बात करें तो वहाँ पर भी एक नाम मात्र का प्रधान है और दूसरा वास्तविक प्रधान है। नाम मात्र का प्रधान राष्ट्रपति है और वास्तविक प्रधान है प्रधानमंत्री। वहीं राज्य में जो नाम मात्र के प्रधान हैं वह राज्यपाल हैं और वास्तविक प्रधान हैं मुख्यमंत्री और उनकी जो मंत्री परिषद उनके साथ में, ठीक है? तो चलिए अनुच्छेदों की सहायता से हम लोग इसे याद करने की कोशिश करेंगे। तो अनुच्छेद 163 जिसमें ये लिखा हुआ है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ठीक है? तो राज्य मंत्री परिषद की व्यवस्था अनुच्छेद 163 में की गई है कि राज्यपाल जो है वह हर चीज जो है वो अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, बल्कि वह यहाँ पर कोई भी कार्य करते हैं तो यहाँ पर जो मंत्री परिषद है और उनका जो मुखिया है मुख्यमंत्री, उनकी सलाह तो लेंगे ही, ठीक है? तो यहाँ पर राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री। और यही बात जो है केंद्र में भी लागू है कि राष्ट्रपति जो है उनको सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान होगा प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 164(1) जिसमें अनुच्छेद 164(1) में मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है। संविधान सभा द्वारा ये निश्चित किया जाता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। और वहीं पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेंगे। जितना भी मंत्री परिषद है वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो ये जो मंत्री परिषद है ये पूरी की पूरी जो है वह यदि सामूहिक रूप से बात करें तो उस विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी रहती है। अब देखिए राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देंगे, क्योंकि क्या होता है कि जो बहुमत दल का नेता होता है विधानसभा में तो उसको ही मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा। यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो ऐसी कंडीशन में राज्यपाल स्वविवेक शक्ति का प्रयोग करेगा। और दूसरी कंडीशन जब होती है जब कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री की जो है मृत्यु हो जाए और कोई उत्तराधिकारी तय ना हो, तो ऐसी कंडीशन में मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वह कौन करेंगे? राज्यपाल स्वविवेक से कर देंगे। ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल या दलों के समूह के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर देंगे और उसे 1 महीने के भीतर जो है वो सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है? उसके बाद देखिए राज्यपाल जो है नोट में देखिए मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड में एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति भी करते हैं जो कि जनजातियों के कल्याण के लिए की जाती है, ठीक है? राज्यपाल परंपराओं के अनुसार बहुमत दल के नेता को ही चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन स्पष्ट बहुमत ना हो या कोई निश्चित नेता ना हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में जो है वो स्वविवेक का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है 91वां संविधान संशोधन 2003 जिसके द्वारा क्या बताया गया है कि राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित, मुख्यमंत्री इसमें इंक्लूड है, विधानसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। तो इस पॉइंट से संबंधित क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि राज्य मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित
विधानसभा की जो कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत जो है वो सदस्यगण हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आंसर क्या होगा, 15%। ठीक है, राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं, तो वहां पर 30 सदस्य जो है वह हो सकते हैं। कैसे, चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। अब देखिए, राजस्थान में 200 सीटें हैं विधानसभा में, ठीक है, विधानसभा की 200 सीटें हैं, तो इसीलिए मुख्यमंत्री सहित 30 से अधिक मंत्री जो है वह नहीं हो सकते। ठीक है, कम से कम 30 मंत्री तो होने ही चाहिए, परंतु संख्या जो है वह 12 से कम नहीं होगी। तो ये कैसे निकला है, निकला कैसे है, देखिए 200 को 15%, यानी कि 200 का जो 15%, 200 × 15 और डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर क्या आएगा, 30 मंत्री आएंगे। ठीक है, तो ऐसे ये निकाला गया है। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 164(2), तो मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो ये मैंने आपको समझा दिया था, अनुच्छेद 164(1) जो है, जहां पर व्यक्तिगत उत्तरदायी उसका उल्लेख है, वहीं पर सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 164(2) में है। अनुच्छेद 164(3) जो है वह क्या कहता है, मंत्रियों की शपथ के संबंध में बात करता है। 3 जो है वह किसकी बात करता है, मंत्रियों की शपथ की बात करता है, कि कार्य ग्रहण करने से पहले राज्यपाल जो अनुसूची 3 है, जिसमें मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाएगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 164(3) में है। वहीं अनुच्छेद 164(4), इसमें क्या है, कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो वह 6 माह तक मंत्री रह सकता है, लेकिन 6 माह में उसे किसी भी सदन की सदस्यता जो है वह प्राप्त करना अनिवार्य है। और यदि वह नहीं प्राप्त करता है, तो खुद ही उसकी जो पद है वह खुद ही समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ विधानमंडल का मतलब क्या है, या तो वो विधानसभा का सदस्य हो या विधान परिषद का सदस्य हो। ठीक है, और हमारे राजस्थान में विधानसभा है, तो उसे 6 माह जो है उसे किसी एक सदन की सदस्यता तो प्राप्त करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर अनुच्छेद जो 164(3) है, जिसमें मंत्रियों के शपथ राज्यपाल दिलवाते हैं, मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में ये चीज पूछी गई है कि मंत्री परिषद जो है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, तो कैबिनेट मंत्री होती है, राज्य मंत्री और उपमंत्री शामिल होते हैं, लेकिन जो मंत्री मंडल है इसमें केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो संविधान की यदि बात करें, तो मंत्री परिषद शब्द का ही उल्लेख है, संविधान में मंत्री परिषद शब्द का ही उल्लेख है, मंत्रिमंडल का नहीं है। मंत्रिमंडल का उल्लेख केवल एक जगह है, राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां जब हम पढ़ते हैं, राष्ट्रीय आपात, तो वहां पर मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर राष्ट्रीय आपात जो है वह घोषित किया जाता है, चाहे वो पूरा एक देश में हो या देश के किसी एक भाग में हो। ठीक है, जब युद्ध की स्थिति बन जाती है, कोई बाहरी आक्रमण की स्थिति बनती है उस वक्त, तो वहां पर जो राष्ट्रीय आपात है अनुच्छेद 352, तो वहां पर मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर, ऐसा वहां पर मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा हमारे संविधान में मंत्री परिषद शब्द जो है इसी का उल्लेख किया गया है। मंत्री परिषद शब्द जो है वो बड़ा है, ठीक है, बड़ा है, जबकि मंत्रिमंडल छोटा है। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री आएगी, ठीक है, केवल कैबिनेट मंत्री आएगी, और कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, जिनको महत्वपूर्ण जो मंत्रालय होते हैं वो मिले होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जो है वह भी इसी में आएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है जो राज्य मंत्री हैं, उपमंत्री हैं, इन सबको मिलाकर मंत्री परिषद बनती है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, और ये भी आप बात ध्यान में रखिएगा, हमने अभी पढ़ा था कि मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या, चाहे वो केंद्र में लोकसभा हो या राज्य में विधानसभा, तो वहां पर उस सभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% होता
होना चाहिए, ठीक है। तो मंत्रिमंडल जो है वो एक लघु निकाय है, जबकि मंत्रिपरिषद जो है वो एक बड़ी निकाय है। यहाँ पर तो तीनों तरीके के मंत्री जो है वो आ जाते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री, जबकि यहाँ पर केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं। तो देखिए एक-एक करके हम जो है इन मंत्रियों के बारे में थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। अब देखिए ये जो कैबिनेट मंत्री हैं, तो वास्तव में तो ये ही मंत्रियों का ऐसा समूह है जो सरकार की नीतियों का संचालन करता है, ठीक है। कैबिनेट मंत्री सरकार के निर्णयों में शामिल होता है और इन कैबिनेट मंत्रियों को ही हम क्या कह रहे हैं, मंत्रिमंडल कह रहे हैं। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा। दूसरे जो मंत्री आते हैं इनके बाद, राज्य मंत्री, जो विभागीय कार्यों में कैबिनेट मंत्रियों के सहयोगी होते हैं, इनकी हेल्प करते हैं और कभी कभी इन्हें किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार जो है वह भी दे दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये मंत्री जो होते हैं, राज्य मंत्री, वो कैबिनेट की बैठकों में बुलाने पर ही शामिल हो सकते हैं, खुद की इच्छा पर शामिल नहीं हो सकते हैं। उसके बाद उपमंत्री आते हैं, इसके बाद ये छोटे जो मंत्री होते हैं, कनिष्ठ मंत्री जिनको कहा जाता है, जो किसी कैबिनेट मंत्री या जो राज्य मंत्री होते हैं इनके अधीन कार्य करते हैं। तो कैबिनेट मंत्री इनको सलाह जो है वो राज्य मंत्री देते हैं और उपमंत्री जो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री इनके अधीन कार्य करते हैं, इनको जो भी कार्य सौंपा जाता है तो ये वो कार्य करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 165, राज्य का महाअधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। तो हमने देखा था कि राज्यपाल जो हैं उनकी ये कार्यकारी शक्ति होती है कि वह राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति करें, ठीक है। तो राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहर्त व्यक्ति को महाअधिवक्ता नियुक्त करेगा। तो जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो तो उस व्यक्ति को महाअधिवक्ता नियुक्त करेगा, ठीक है। और यह सरकार को विधि संबंधी, जो कानून संबंधी राय जो होती है वह देते हैं। तो जिस तरीके से राष्ट्रपति की जो शक्ति होती है, जो महान्यायवादी जिन्हें हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं, जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जो केंद्र में जो कानून संबंधी राय जो है वह राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही वो जो है अपना पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति उनको हटा भी सकते हैं, अटॉर्नी जनरल को। वहीं पर राज्यपाल जो हैं वह भी इनको नियुक्त करते हैं और इन्हें हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही ये रहते हैं। अब देखिए मुख्यमंत्री के बारे में हम लोगों ने अनुच्छेदों के माध्यम से याद करने की कोशिश की, तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जो भी लाइनें हम लोगों ने नहीं पढ़ी हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी। तो मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। अनुच्छेद 164 जो है, जिसमें सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। तो ये सभी लाइनें आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही उठकर पूछ ली जाएगी। साधारणतया चीफ मिनिस्टर विधानसभा का सदस्य होता है, किंतु ऐसे सदस्य को भी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है जो किसी भी सदन का सदस्य ना हो। लेकिन यदि वह सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसे किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी, ठीक है। सीएम मंत्रिपरिषद का गठन स्वविवेक से करते हैं, ठीक है। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर ही उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करेगा जिसकी सिफारिश किसने की है, मुख्यमंत्री ने की है, ठीक है। तो जो सीएम है वह राज्यपाल को बताएंगे कि ये जो है वो मंत्री होंगे, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद गठन जो है वह स्वविवेक से किया जाता है और इसमें राज्यपाल जो है वह इन्हें नियुक्त करते हैं। सीएम मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है और इस नाते वह मंत्रिमंडल की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि मंत्रिमंडल की समस्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन में राज्यपाल होगा, वहां पर होगा मुख्यमंत्री, राज्य सचिव होगा या फिर हाई कोर्ट के न्यायाधीश होंगे। तो ऐसी कंडीशन में आंसर क्या रहेगा, तो वहां पर बैठकों की अध्यक्षता करते हैं मुख्यमंत्री, ठीक है।
सीएम मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच कड़ी का कार्य करता है। तो मंत्री परिषद की कोई भी बात होती है यदि राज्यपाल तक पहुंचानी है तो यहाँ पर बीच में कौन है, मुख्यमंत्री है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री के द्वारा ही राज्यपाल को सारी बातें पता चलती हैं। राज्यपाल को यदि कोई सलाह चाहिए तो उसमें भी सीएम जो है वो बीच में कड़ी का काम करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 167, मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि राज्य के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक मंत्री परिषद के सभी निर्णय राज्यपाल को सूचित करें। तो मुख्यमंत्री का ये काम होता है कि राज्य में यदि प्रशासन संबंधी कोई कार्य किया जाएगा तो मंत्री परिषद के जो सभी निर्णय हैं वो राज्यपाल को सूचित किए जाएंगे। यानी आपने ये चीज़ तो देख ली कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, तो ये जो हैं आपस में सलाह मशवरा परामर्श करके ही सारे कार्य किए जाते हैं। कोई भी अपनी मर्जी से ऐसे कार्य नहीं कर सकते हैं जो राज्य के प्रशासन संबंधी हो या विधान विषयक संबंधी हो। ठीक है, मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है, ये हमने जान लिया। अनुच्छेद 177, कोई भी मंत्री व महाधिवक्ता किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। दोबारा से देखिए, अनुच्छेद 177 क्या कह रहा है कि कोई भी मंत्री और महाअधिवक्ता किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन यहाँ पर वोट नहीं दे सकता। नेक्स्ट देखें, अनुच्छेद 166, किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से ही की जाएगी। तो किसमें है ये? अनुच्छेद 166 में है। ठीक है, कि राज्य की सरकार की जो समस्त कार्यपालिका कार्यवाही है वो राज्यपाल के नाम से ही की जाएगी। राज्यपाल के द्वारा मंत्रियों के कार्य आवंटन यानी कौन कौन सा कार्य उनको सौंपा जाएगा, तो इसके लिए नियम भी बनाया जाएगा। अब महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, उप मुख्यमंत्री का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। मुख्यमंत्री का है लेकिन उप मुख्यमंत्री का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और व्यक्तिगत रूप से यदि बात करें तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे राजस्थान के कौन कौन से मुख्यमंत्री जो हैं वह इम्पोर्टेंट रहेंगे एग्जाम के लिए। जैसे पूछा जाएगा कि राजस्थान के प्रथम सीएम कौन थे, जो वर्तमान में सीएम है वह कौन है, ठीक है, सबसे ज्यादा समय बिताने वाले मुख्यमंत्री कौन रहे। तो राजस्थान के प्रथम सीएम हीरालाल शास्त्री थे। तो ये आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, हीरालाल शास्त्री जो कहाँ के थे, राजस्थान के जोबनेर के थे। ठीक है, और राजस्थान के ये पहले मनोनीत मुख्यमंत्री जो हैं वह रहे। दूसरी बात देखिए, प्रथम निर्वाचित जो सीएम बने वो टीकाराम पालीवाल बने, तो एक वर्ष तक ही रहे थे। इसके बाद जो है वो मोहनलाल सुखाड़िया जो हैं इनको सीएम बना दिया गया था। तो मोहनलाल सुखाड़िया, इनके बारे में भी इम्पोर्टेंट लाइन है कि ये 17 वर्ष तक जो है वह सीएम रहे थे। क्यों? क्योंकि 1954 से 1971 तक, आप लोग जो है वो इसको माइनस करके लगाइए, तो इनको यदि माइनस करेंगे 1971 से 1954 तो आपको 17 वर्ष जो है वह मिल जाएंगे। ठीक है, तो 4 बार जो है ये मुख्यमंत्री रहते हैं। आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया को माना जाता है। तो 4 बार यानी सर्वाधिक समय तक जो है ये मुख्यमंत्री रहते हैं, इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आ सकता है। बरकतुल्ला खान अल्पसंख्यक समुदाय के सीएम रहे थे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट लाइन ये भी है, और ये जोधपुर के थे, और जब भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था 1971 में, तो उसके दौरान ही इनकी मृत्यु जो है वह हो गई थी। ठीक है, ये भी थोड़ा याद रखेंगे, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय ये सीएम थे और पद पर रहते हुए निधन हुआ। एग्जाम में कई बार जो है हमने देखा है कि यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान के जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ था और जो अल्पसंख्यक समुदाय के सीएम रहे थे। ठीक है, या जिनके समय में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तो आंसर क्या रहेगा? बरकतुल्ला खां। हरदेव जोशी के समय जो है वो आपातकाल लागू हुआ था। ठीक है, तो इनके कार्यकाल के दौरान जो है वो आपातकाल
लागू किया गया था। और हरदेव जोशी जो हैं, जो कि 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे, ठीक है, वे 1952 से मृत्यु पर्यंत 10 बार जो हैं ये विधायक रह चुके हैं, ठीक है। 11वें, 16वें और 18वें, यदि हम क्रम से बात करें तो 11वें, 16वें और 18वें राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है। और 3 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन एक बार भी जो है इनका जो कार्यकाल जो है वह पूरा ये नहीं कर पाए, ठीक है। और इनके कार्यकाल के दौरान राजस्थान में दूसरी बार जो है वो राष्ट्रपति शासन लगता है 1977 में। तो हमने बात की थी जब राज्यपाल पढ़ा था कि 4 बार जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, ठीक है। तो दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगता है वह हरदेव जोशी के समय लगाया जाता है। फिर देखें भैरव सिंह शेखावत, तो सबसे पहले गैर कांग्रेसी सीएम रहे, ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति रहे भैरव सिंह शेखावत, और 3 बार जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है। और जो ये भैरव सिंह शेखावत हैं, ये बाबो सा के नाम से जो हैं वो लोकप्रिय भी रहे हैं। तो राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो प्रथम गैर कांग्रेसी रहे वह कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। उसके बाद देखिए जगन्नाथ पहाड़िया, तो जगन्नाथ पहाड़िया जो है वो राजस्थान के पहले अनुसूचित जाति के सीएम रहे थे। और जब इन्हें मुख्यमंत्री का पद जो है वो इन्होंने इनको नियुक्त किया गया था तब ये विधानसभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है। ये बिहार के और हरियाणा के जो है वो राज्यपाल भी रहे थे, तो ये भी आप याद में रख लें। उसके बाद देखिए वसुंधरा राजे सिंधिया, तो पहली महिला सीएम रही हैं राजस्थान की, वसुंधरा राजे सिंधिया, ठीक है। झालरापाटन से ये जो है वो निर्वाचित हुई थी, और 2003 से लेकर 2008 तक इन्होंने अपना कार्यकाल जो है वो पूरा किया था। उसके बाद दूसरी बार जब ये मुख्यमंत्री बनी थी 2013 में, ठीक है, तो 2013 से 2018 तक यहाँ पर भी समय जो है ये पूरा करती हैं, ठीक है। और वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वह कौन है? सभी को पता है, अशोक गहलोत हैं, और जो कि 3री बार मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे तो वो 1998 में बने थे, ये आप याद रखिए, जोधपुर से, ठीक है। उसके बाद वर्तमान में ये 3री बार मुख्यमंत्री बने हैं अशोक गहलोत। तो जो राजस्थान के मुख्यमंत्री की जो लिस्ट है वो मैं आप लोगों को इस पीडीएफ के साथ जो है वह उपलब्ध करवा दूंगी, ठीक है। क्योंकि सीक्वेंस में जैसे राज्यपाल आपको याद करने हैं उसी तरीके से मुख्यमंत्री याद करने हैं। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण मुख्यमंत्रियों के बारे में जो भी बातें हैं वो आप याद रखेंगे, ठीक है। क्या याद रखेंगे? कि राजस्थान के पहले सीएम जो है वो कौन बने? हीरालाल शास्त्री, वर्तमान में अशोक गहलोत, निर्वाचित सीएम टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया 17 बार, सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री बने 4 बार, अल्पसंख्यक समुदाय के सीएम बरकतुल्ला खान बने, ठीक है। इनके समय में इनका जो है भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ था और पद पर रहते हुए इनका निधन हुआ था। हरिदेव जोशी के समय आपातकाल हुआ, ठीक है, आपातकाल लागू हुआ। भैरव सिंह शेखावत पहले गैर कांग्रेसी सीएम रहे, जगन्नाथ पहाड़िया पहले अनुसूचित जाति के सीएम रहे, और पहली महिला सीएम रही वसुंधरा राजे सिंधिया। तो आप ये सभी पॉइंट याद करिएगा, यहाँ पर कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो कि आपके एग्जाम में ना पूछा जाए, ठीक है। यहाँ पर मैंने हर तरीके से कोशिश की है कि आप लोगों को केवल वही लाइन जो है वो मिले, क्योंकि एग्जाम टाइम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हम लोग उसका रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ वही लाइनें मैंने आप लोगों को लिख कर दी हैं जो कि आपके एग्जाम में ऐसे ही उठकर क्वेश्चन बन जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो आप समझिए, क्वेश्चन जो है वो किस तरीके का इसमें से बन सकता है। तो अनुच्छेदों के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन सा अनुच्छेद में क्या बात लिखी गई है, ठीक है। मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है ये पूछा जा सकता है, ठीक है। मुख्यमंत्री जो है वह पूछा जा सकता है निर्वाचित होता है, नियुक्त होता है, मनोनीत होता है या चयन होता है, तो वह नियुक्त होता है, ठीक है। कौन सा कार्य जो है वो मुख्यमंत्री का नहीं है ये पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री का चुनाव जो है वो कैसे होता है, तो आप बताएंगे कि चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों के द्वारा जो है मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाता है, ठीक है। और राज्य मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का अधिक से अधिक कितना परसेंट वहां सदस्यगण हो सकते हैं, तो वहां पर 15% लगाइएगा, ठीक है।
तो हमने यहाँ पर जो भी कुछ पढ़ा है इस पर आप लोग ध्यान में दीजिएगा। अगर पूछ लिया जाए कि राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह कौन दे सकता है, तो वहाँ पर आप क्या आंसर लिखेंगे? मुख्यमंत्री। ठीक है, यदि वहाँ पर ये लिखा होगा मंत्री परिषद, तब भी आपका आंसर सही होगा, क्योंकि उस मंत्री परिषद के ही हेड कौन है? मुख्यमंत्री। तो क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है वो आपको समझना है, मैटर यही रहता है, घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं आपसे जो है यहाँ पर रखती हूँ कि राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सा कथन जो है वह सही है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि मैं बोलूँ कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है, तो ये बिल्कुल लाइन जो है वो बिल्कुल सही रहेगी। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी रहते हैं, क्या ये लाइन सही है? ऐसा पूछा जाएगा तो ये लाइन बिल्कुल गलत है, क्योंकि राज्यपाल के प्रति जो है वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहते हैं। यदि मैं पूछूं कि मुख्यमंत्री राज्य के जो प्रशासन होता है उससे संबंधित निर्णयों से राज्यपाल को अवगत कराता है क्या? तो बिल्कुल कराता है उसे। यदि राज्यपाल को कोई सलाह चाहिए, मशवरा चाहिए, तो वह मुख्यमंत्री से सलाह भी लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से ही क्वेश्चन जो है वह आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जहां हम राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव के बारे में पढ़ने वाले हैं। तब तक आप इनको लर्न करिएगा। थैंक यू।